नागपुर के प्रेस क्लब में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकारों से विशेष चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आरपीआईए को शिरडी से लोकसभा सीट की उम्मीद थी, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आरपीआई ने अपने कार्यकर्ताओं की सलाह पर कैबिनेट बर्थ की मांग की है और एनडीए को अपना समर्थन दिया है। इसके आगे मंत्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि संविधान बदल जाएगा। इसी दौरान पत्र परिषद में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार पर उन्होंने अपनी कविता के एक अनोखे अंदाज में बयान किया। नागपुर से कविता पवार पारधी की रिपोर्ट। लेकिन आरपीआई को मंत्री पद देने को उनके न्याय में दूसरा उनके साथ था, लेकिन सत्ता मेरे घर नहीं थी, उनके साथ मतलब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में मैंने बाबा साहब से मंजूरी के लिए 10 बार सोशलिस्ट मिनिस्टर की भेंट की, माननीय प्रधानमंत्री मंत्री को मैं बहुत ज्यादा मिला, लेकिन बाबा साहब एक भी मंजूरी से अपना मंदिर खत्म किया। आ गए उन्होंने 26 तारीख को रोड का मेमोरियल बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल सेंटर बनाया, मुंबई का हिंदू मिल का जो बड़ा स्मारक है 1200 करोड़ रुपये खर्चा करके बनाया है, वहाँ 350 फीट का 100 फीट का मॉडल बनाया था, 4500 फीट का छत उठा होता है, तो उसी टाइम पर मतलब काम होते नहीं थे उनको, इतनी सत्ता मिलती थी तो वो ज़्यादा सीरियस भी काम नहीं करते थे, मोदी जी सीरियसली सोच कर काम करते हैं। महिला आरक्षण की बात करने का भी बहुत सॉरी को मुझे दिया है, और 370 आर्टिकल हटाने के बाद जो है वो मतलब होने के बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लड़ रहा है, वहाँ का आतंकवाद 99% खत्म हो चुका है, और वहाँ पूरे टूरिस्ट बहुत ही मतलब पूरी डर रहा है।